नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यूएसबी में। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक किया जाता है। अब देखिए, जैसे इसमें एक तो ये बेसिक सा पैटर्न है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस हिसाब से इनका स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 वाले में 6, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। क्या बात समझ में आई कि जैसे नंबर के लास्ट में 4 या 6 है तो उनका स्क्वायर करते ही 6 ही आता है हमेशा। लास्ट में अगर 3 या 7 है यूनिट डिजिट तो स्क्वायर करोगे तो 9 ही आएगा। ऐसे यूनिट डिजिट अगर आपका 2 है या फिर 8 है, स्क्वायर करोगे तो लास्ट के अंदर क्या आता है, दोनों के अंदर 4। एक तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है ये, क्योंकि देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आया, जैसे हम लोग करते हैं 12 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, 12 का क्या होता है 144, 18 का क्या होता है 324। यूनिट डिजिट 2 और 8 है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 की वजह से 4। तो इनमें ये पैटर्न एक तो ये फॉलो होता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। ये भी सिंपल सा तरीका होता है, बहुत आसान है। देखिए 15 का 225, 25 का 625, 35 का 1225, 45 का 2025 और 85 का 7225। ये बात समझे कि इसमें हो क्या रहा है। तो आपने यहां नोट किया कि अगर लास्ट में 5 है, जिन भी नंबर के लास्ट में 5 है स्क्वायर करते हो तो सबके लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। एग्री करते हो इस बात से? अब देखिए 1 था 2 बना, 2 से 6, 3 से 12, 4 से 20, 8 से 72 कैसे आया? 1 से जस्ट अगला नंबर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 से अगला नंबर 3 तो 2 × 3 = 6, तो 3 को किससे करेंगे, जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 जस्ट अगले नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और यहां 8 है, 8 का जस्ट अगला नंबर क्या है 9, तो ये 72। तो ये इस हिसाब से सिंपल सा पैटर्न होता है, इस बात का बड़ा ही यूज होता है। अब देखिए यहां पर अगर हमें एक नंबर दिया जाता है कैसे डील करेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने कि हमारे पास एक नंबर है 2809। अब लास्ट 2 डिजिट को टारगेट करो, आपने देखा कि यूनिट डिजिट 9 है, 9 कब आता है, 9 या तो यूनिट डिजिट किसी नंबर के लास्ट में 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा, या तो क्या रहा होगा ये 3 या फिर रहा होगा 7। अब इन दोनों में से एक बात को हमें जज करना है कि कौन सी लिखें। अब यहां से देखो आप 28, जैसे 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का किया 25, 6 का किया तो कितना हो गया यहां पर 36, एक्सीड कर गया। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जो नंबर आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि देखो 6 करते 36 चला जाता है तो वो तो रेंज से आउट चला गया। डिटेल में आप A+B का फॉर्मूला ओपन करोगे, वही फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो रहा है, तो यहां क्या आएगा 5, 5। तो या तो ये क्या है 53 का स्क्वायर है या फिर ये 57 का स्क्वायर है। तो इसको टारगेट करने के लिए बैकग्राउंड में एक बात और फोकस की जाती है कि 55 का स्क्वायर आप करते हो तो क्या करते हो, 55 का स्क्वायर 25 तो आना ही है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, 5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा 6, 6 की वजह से 30। इसका मतलब कोई भी नंबर, जैसे यहां पर 55 का स्क्वायर करते हो तो 3025 आता है, ये कितना है 2809। इसका मतलब 55 से छोटे वाला नंबर रहा होगा, तो यहां से कौन सा करेक्ट हुआ, ये वाला नहीं होगा। देखिए फिर से एक बात, फिर वापस एग्जांपल में इसी बात को समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, आप गिन के 6 एग्जांपल 7 एग्जांपल कर दो, सब बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये ही नंबर है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर रूट करना है, आपको पता चला लास्ट के अंदर क्या है 49, 2 और इसका भी यूनिट डिजिट 9 है, तो या तो ये 3 रहा होगा या फिर यहां पर ये वाला नंबर 7 रहा होगा, 3 या फिर 7। अब चेक करना है कि यहां क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 36 मतलब 3600 एक्सीड कर गया तो कम वाला मतलब 5, 5, इन दोनों में से एक होगा। अब जज करना है तो देखिए 55 वाला एग्जांपल होता है, 55 का स्क्वायर आपको करके दिखाया अभी कितना आसान है। देखिए 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 अगले नंबर 6 से गुणा होगा, कितना आएगा 30, तो इसका मतलब 55 का स्क्वायर करेंगे वो 3000 कुछ चला जाता है, और ये नंबर क्या है उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका स्क्वायर करते हैं तो वो तो 3000 से छोटा आना चाहिए, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला है।
ऐसे ही देखिए एक हमारे पास नंबर है, देखो एक एक बात समझते हैं बड़ी आसानी से। हमारे पास एक अगला एग्जाम्पल है 7921, गिन के 6 एग्जाम्पल कर लो सब समझ में आ जाएगा। देखो 1 आया तो हमें क्या पता चला, या तो लास्ट में 1 रहा होगा या फिर 9 रहा होगा, या तो 1 रहा होगा या फिर 9 रहा होगा, ये पार्ट हो गया 79। स्क्वायर करके देखो जैसे 8 का स्क्वायर 64, 9 का करते 81, इसका मतलब 9 90 का स्क्वायर करके देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 8100, एक्सीड कर गया लिमिट, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 8। या तो ये होगा अपना नंबर 81 या फिर होगा अपना 89। अब यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड में 85 का स्क्वायर करते हैं, आपको पता है इसकी वजह से तो 25 आना ही है, और 8 क्या लिखा जाएगा 8 × 9 = 72। अब देखो 85 का स्क्वायर करते हैं तो 7225 आता है, तो एक बात बताओ 81 का तो बहुत नीचे रह जाएगा, इससे नीचे रहेगा, और 89 का क्या होगा 7225 से ऊपर होगा, तो ये ऊपर वाला ही तो है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी, फिर समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास नंबर है 8649, ये किसका रूट है, टारगेट करो इन दो में से इसको, 9 का बात है, या तो यूनिट डिजिट 3 रहा होगा या फिर यूनिट डिजिट 7 रहा होगा, या तो 3 या फिर 7। देखिए 86 को करें तो 80 का करेंगे 64, 90 का करेंगे तो 81, इसका मतलब 90 को चेक कर रहे हैं हम लोग, 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100, उससे ऊपर नंबर है तो इसका मतलब यहां पर तो क्या आना है 9, या तो ये 93 का स्क्वायर रहा होगा या फिर ये 97 का स्क्वायर रहा होगा, अब कौन सा आएगा इस बात को चेक करें। तो देखो 95 वाली बात अगर आपको बैकग्राउंड में वर्क करती है, 95 का स्क्वायर 25 तो आना ही है, 9 × 10 90 बनेगा, कोई बात नहीं, इसका मतलब 95 का स्क्वायर इनके बीच में कहीं फंसा होगा 95, और उसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9025, तो उससे तो कम नंबर है, इसका मतलब किसका रहा होगा, इस वाले नंबर का रहा होगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। फिर देखिए कॉन्सेप्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं है, बात सारी सीखो, सीखते ही फिर आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। जैसे अपने पास एक अगला एग्जाम्पल है 10609, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिए 09 का बात है, या तो 3 रहा होगा या फिर 7, या तो 3 या 7, इसको टारगेट करो। देखिए 10 का स्क्वायर करते हैं 100 से ऊपर है, इसका मतलब या तो ये 103 का होगा या फिर 107 का होगा। अब बीच में हमारे क्या रहता है ब्रेक करने के लिए, ये वाले टर्म 105 में आपको पता है लास्ट में 25 आता है, 10 × 11 करते हैं तो ये 110 आता है। देखिए ये नंबर क्या हुआ, इससे छोटा रहा 110, मतलब 11025 से छोटा, इसका मतलब ये अगर ये इससे एक्सीड कर जाता 11025 से, तब हम लोग इसको टारगेट कर देते। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास है 14884, इस नंबर का हमें रूट चाहिए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 84, ये बात क्लियर हुई, 4 देखा आपने, 4 कब आता है, या तो यूनिट डिजिट 2 रहा होगा या फिर देखिए यहां से 8, या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा, इन दोनों बातों को हमने सीख लिया। अब यहां से 148 देखिए स्क्वायर करें, 11 का 121 करते हैं, 12 का करते हैं 144, तो यहां 12 आ गया। अब जज ये करना है कि 122 का है या फिर 128 का है, तो बीच में देखो कौन फंसा हुआ है 125, यहां आप 25 को क्यों टारगेट कर रहे हो, 25 तो रहना ही है, 12 को 13 से करके देखो, तो देखो 13 को 10 से किया 130, 13 × 2 = 26, कितना आ गया 156, 25 लिखना चाहो तो ठीक है, बाकी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दो प्लेस हम छोड़ चुके हैं, तो 156 का कंपेरिजन 148 के साथ करना है। तो यहां से आपने क्या देखा कि 125 का स्क्वायर होता है 15625, और उससे तो ये कम है, तो 128 का कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये किसका रहा होगा 122 का। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है मेरी तो आप YouTube आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है कि आप स्लो करके देख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगला नंबर देते हैं हम लोग 23409, देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दो प्लेस कि 9 का बात है, या तो 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा, 234,
देखो 14 का करते हैं 196, 15 का करते हैं 225 और 16 का करते हैं 256। इसका मतलब यहां क्या आएगा 15। किसके साथ रिलेट किया 150 का स्क्वायर 225 225000 उसी से रिलेट किया, कोई रटने वाली बात नहीं थी इसके अंदर। अब देखो हमें जज करना है कि 3 या 7 आएगा, तो बीच में देखो इनके क्या नंबर रहा है 155, 5 की वजह से 25, अंडरस्टूड सी बात है, माइंड में रख सकते हो। 15 को किससे किया आपने 16 से, 16 को 10 से करते हैं 160, 5 से करते हैं 80, 160 240। देखिए ये क्या हुआ 240 25 तो इसका होता है, इससे ये नंबर कम है, इसका मतलब क्या रहा होगा ये इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट एग्जांपल चलो और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 44944, देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2। लास्ट में नंबर देखें, देखो 4 कब आता है, या तो 2 रहा होगा या फिर देखो 8 रहा होगा, 2 या फिर 8, ये कैंसिल, ये मामला हो गया। सो अब इसको टारगेट करें 4419 स्क्वायर करो, देखो 20 का करते हैं 421 का करते हैं 441, मतलब या तो 212 का रहा होगा या 218 का, चेक करें कौन सा होगा, तो बीच में नंबर कौन सा है इनके 215। 5 इनके भी लास्ट में आता है, उनका स्क्वायर करना आसान है, 22 से गुणा किया 22 44, 22 से देखो 1 गुणा किया 22 का 2 लिखा, 22 गुणा 2 44 45 46, ये क्या आ गया 46225। देखो ये क्या है 449 और ये क्या है 462, इससे तो छोटा ही नंबर है, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रहा होगा 212 का। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, रटने वाली कोई बात नहीं होती, हर एक बात को आप समझ सकते हो, आपके सामने है सब कुछ। तो ऐसे ही वीडियोस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।